ऑफ यू, मैं डॉक्टर नीता मिश्रा, स्पेशल एजुकेशन, राजश्री टंडन ओपन विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अगली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सेंसरी डिसेबिलिटीज़ क्या होती है और वो किस प्रकार कॉज करती है, जैसे सपोज हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट लाइक दिस टाइप्स, और हम लोग उसके लिए किस प्रकार के इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और किस प्रकार अगर डिसेबिलिटी कोचिंग हो जाती है तो हम उस इक्विपमेंट को यूटिलाइज करके अपने एजुकेशन लेवल, सोशल लेवल, इमोशनल लेवल उसको डेवलप कर पाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है सेमेस्टर थर्ड्स, उसमें एक पेपर है आपका इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधित बच्चों के किस प्रकार हस्तक्षेपण किया जाए। तो अर्ली इंटरवेंशन, अगर हम बच्चों का शीघ्र से शीघ्र आइडेंटिफाई कर ले और आइडेंटिफाई करके उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दे, तो हम उनके एजुकेशन लेवल, उनके सोशल लेवल इसको और भी बेटर बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अर्ली इंटरवेंशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों पे ही है, और इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारा PIP यानी पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम, अभिभावक शिशु कार्यक्रम, ये क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है। क्योंकि जब अगर सपोज किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसकी फैमिली को ही पड़ता है, क्योंकि उनका भविष्य तैयार करने में रोल उनके पेरेंट्स का, उनके फैमिलीज का ही होता है। तो PIP प्रोग्राम के माध्यम से हम अभिभावक को कैसे ट्रेन करें, कैसे उन्हें नॉलेजेटिव बनाएं, जिससे कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम PPT के माध्यम से इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि PIP होता क्या है, इसके क्या लाभ है, और इससे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, और अर्ली इंटरवेंशन करा के हम प्री स्कूल यानी स्कूल जाने से पहले उनको किस प्रकार से प्रिपेयर करें, तैयार करें, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम स्कूल में अपने को एडजस्ट कर सके और अपने एजुकेशन लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बना सके। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि PIP होता क्या है। दोस्तों, जो हमारा पेपर है इंटरेक्शन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये BEd SC 73 है, ये आपके थर्ड सेमेस्टर का पेपर्स है। इसमें हस्तक्षेप एवं शिक्षण रणनीतियाँ श्रवण क्षतिग्रस्ता, ये आपका पेपर है, और इसका ब्लॉक पहला है नीड्स एंड स्ट्रेटजी फॉर अर्ली इंटरवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस। इसका जो पहली यूनिट है उस यूनिट में आपको आज जो पढ़ना है वो है पेरेंट इन्फेंट्स प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन द प्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फर्स्टली हम लोग डिस्कशन करेंगे कि PIP यानी पेरेंट इन्फेंट्स प्रोग्राम होता क्या है। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर लिया है कि श्रवण जांच तकनीकी के विकास के कारण हम श्रवण दिव्यांगता की पहचान जन्म से ही कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि बहुत सारे हमारे ऑडिटरी टूल्स हैं जिसके माध्यम से प्योर टोन ऑडियोमेट्री, बैरा टेस्ट, इस सब के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कितनी डिग्री, कितनी मात्रा में उनकी हियरिंग लॉसेस हुए हैं। तो पहचान होने के उपरांत उनका शीघ्र हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन जैसी सेवाएं देना या प्रदान करना आवश्यक है। परिवार के सदस्यों को शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम से जोड़ने के लिए PIP यानी अभिभावक शिशु कार्यक्रम के संप्रत्यय का विकास हुआ। शीघ्र हस्तक्षेप एक ऐसी सेवा है जिसमें जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो विकासात्मक रूप से देरी के साथ साथ सामाजिक संवेगात्मक समस्या से ग्रस्त हैं उन्हें सेवाएं दी जाती हैं। शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से 6 वर्ष तक उम्र के बच्चों को जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है उसमें अभिभावक की सहभागिता प्रमुख मानी जाती है। इस उम्र के बच्चों का संबंध मुख्यतः अभिभावक एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहता है, क्योंकि बच्चा फर्स्टली अपनी फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो उनकी मदर्स, उनके फादर्स, उनके दादा दादी, नाना नानी, इन सब के जो रोल्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इस उम्र में बच्चों के मस्तिष्क की वृद्धि भी तेज़ी से होती है तथा अर्ली इंटरवेंशन कार्यक्रम द्वारा उनके व्यक्तित्व आवश्यकता यानी इंडिविजुअल जो उनकी पर्सनल नीड है वो उनकी योग्यता के अनुसार
दी जाने वाली उद्दीपनों से लाभ मिलता है। श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेपण सेवाओं के अंतर्गत श्रवण, वाणी एवं भाषा कौशल इत्यादि का विकास किया जाता है। जन्म से लेकर 3 साल के श्रवण दिव्यांग बच्चों को अभिभावक शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुख्यतः इसमें गृह आधारित, परिवार केंद्रित, अभिभावक निर्देशित, विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकता आधारित तथा प्राकृतिक उपागम कर आधारित होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिभावक एवं परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसाय को हम यहाँ पर डिफाइन कर दें। व्यवसायिक मीन्स जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के सपोर्ट के लिए होते हैं, जैसे हमारा फिजियोथेरेपिस्ट, आर्डियोलॉजिस्ट और हमारा साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल टीचर्स, रिसोर्स पर्सन्स, ये जो सारे व्यवसायिक होते हैं जो कि एक हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में अपना योगदान देते हैं, उनकी सहायता से और अभिभावक को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो व्यवसायिक है वो सारे हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, स्पेशल टीचर हैं, साइकोलॉजिस्ट है, आर्डियोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सारे से व्यवसायिक के रूप में इंक्लूडिंग है, के साथ एक दल के रूप में कार्य करते हैं। उनका एक अपना ग्रुप होता है, वो आपस में एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर उसके अनुसार वो स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं। इसके साथ साथ अन्य बालकों के अभिभावक के साथ भी संबंध स्थापित करते हैं। अन्य बालक मीन्स जैसे कि अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो अदर पेरेंट्स के बच्चे, अगर उस प्रकार से उनका बच्चा भी उससे ग्रस्त है, तो उन दोनों को आपस में मिलकर एक दूसरे की समस्या जान पाएंगे, जिससे उनको ये पता चल जाएगा कि हमारा ही बच्चा ऐसे इफेक्टेड नहीं है, और बच्चे हैं और उनके लिए हम लोग क्या क्या टेक्निक या क्या स्ट्रेटजीज डेवलप करें जिससे कि हम उनके लाइफ को और भी फ्लेक्सिबल बना सकें। PIP यानी पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम्स कार्यक्रम के माध्यम से श्रवण दिव्यांग बच्चों तथा उनके अभिभावकों को बच्चे की भाषा विकास, साक्षरता कौशल, वातावरणीय जानकारी, सकारात्मक आत्मगौरव और व्यक्तित्व जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करने में सहायता मिलती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चे को आवश्यकता अनुसार सेवाएँ प्रदान की जाती है। भारत में PIP कार्यक्रम की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जिसमें अभिभावकों को सहायता दी जाती है जिससे वह अपने बच्चों की भाषा, वाणी, श्रवण, बौद्धिक योग्यता, सामाजिक एवं संवेगात्मक अभिवृद्धि हेतु रणनीतियों का विकास कर सके जो उनकी आगे की शिक्षा में सहायता कर सकता है। परिवार केंद्रित सेवाओं के द्वारा PIP कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, जिससे में परिवार के सदस्यों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक होती है। हम बात करेंगे PIP कार्यक्रम के द्वारा अभिभावकों को हम कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो पहला है हमारा अपने बच्चों की श्रवण दिव्यांगता के बारे में अभिभावकों में समझ विकसित करना, जैसे श्रवण दोष की मात्रा कितनी है, वो किस प्रकार की है, मीन्स वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवर है या प्रोफाउंड लेवल पे है, और उसके निराकरण हेतु श्रवण प्रवर्धन उपकरण की उपयोगिता इत्यादि, मीन्स उसको किस प्रकार के एड्स की नीड है, उसे पॉकेट टाइप चाहिए या बिहाइंड द ईयर या इन द ईयर, या किस प्रकार के इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उस सब चीज़ों की फर्स्टली हम पेरेंट्स को जानकारी देते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों की दिव्यांगता, उनके श्रवण दोष को समझ के उसके अनुसार उनको उस प्रकार के प्रवर्धक उपकरण प्रोवाइड कर सके। सूचना प्रशिक्षण परामर्श के द्वारा अभिभावकों को ज्ञानात्मक स्तर पर वृद्धि तथा बच्चों की आवश्यकता की समझ विकसित करना होता है। श्रवण प्रवर्धन के उपरांत, मीन्स उनके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड होने के उपरांत, श्रवण दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर श्रवण, वाणी, भाषा, साक्षरता, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अन्य कौशलों का विकास किया जाता है। अन्य अभिभावकों के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर, जिससे उनको यह पता लग जा सकेगा कि उनके बच्चों जैसी स्थिति अन्य अभिभावकों के बच्चों के साथ भी है।
चिकित्सीय सेवाओं के बारे में जानकारी एवं व्यवसायिकों के साथ मिलजुल कर कार्य करने का अवसर इसमें प्रदान किया जाता है। श्रवण प्रशिक्षण, वाणी चिकित्सा, पूर्व लेखन, पूर्व वाचन, पूर्व गणितीय कौशल प्रशिक्षण के द्वारा अभिभावकों को घर पर उन क्रियाओं का संचालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। श्रवण क्रिया द्वारा अधिग्रहण एवं अभिव्यक्त भाषा का विकास करने का प्रशिक्षण भी PIP के माध्यम से अभिभावकों को दिया जाता है। लिखित सामग्री, इंटरनेट तथा वेबसाइट की जानकारी, जिससे अभिभावक अपने बच्चे की आवश्यकता अनुसार निर्णय ले सके। मीन्स इंटरनेट और वेबसाइट पे ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी जानकारी है, जिससे कि अभिभावक अननोन होते हैं, उन्हें उसकी जानकारी नहीं होती है। PIP के माध्यम से उन सारी सेवाओं को, जो कि इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारी अभिभावकों को प्रदान की जाती है। प्रश्न ये उठता है कि श्रवण बाधित बच्चों का भाषा विकास कैसे किया जाए, क्योंकि जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है वो उनके भाषा का विकास न होना। भाषा विकास न होने से उनका शिक्षण, सामाजिक कौशल, मनोवैज्ञानिक कौशल, ये सारी चीज़ें उनकी बाधित हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग मुख्यतः सामान्य, जैसे हम लोग जानते हैं कि सामान्य बच्चे अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों से अंतःक्रिया करते हुए भाषा का अर्जन करते हैं। बच्चों को इन सदस्यों के द्वारा भाषा का शिक्षण निरंतर कराया जाता है, जिससे कि उनकी भाषा विकास सतत विकसित होती रहती है। परंतु श्रवण बाधित बच्चों के परिवार के सदस्यों को भी इसी प्रकार की सहभागिता की आवश्यकता होती है। सामान्य बच्चों की जैसा ही श्रवण दिव्यांग बच्चों के पास भाषा अर्जन हेतु सामान्य योग्यता होती है, परंतु श्रवण दोष के कारण उन्हें भाषा सीखने में समस्या होने लगती है। श्रवण बाधित बच्चों के माता पिता और घर के सदस्यों को सामान्य बच्चों के जैसा बातचीत एवं अंतःक्रिया प्राकृतिक रूप से करना चाहिए। उन्हें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि श्रवण यंत्र जो बच्चों को लगाया गया है उसका वो नियमित प्रयोग करें, तथा श्रवण यंत्र की क्रियात्मकता, जैसे श्रवण यंत्र चल रहा है या नहीं, उसका वॉल्यूम सही है या नहीं, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है या बैटरी अवेलेबल है, इस सब का हमेशा उन्हें जांच करते रहना चाहिए। बच्चे के साथ प्राकृतिक तरीके से बातचीत करें, तथा यह ध्यान रखें कि जब बच्चे से बात की जाए तो वह उनकी तरफ देख रहा हो, जिससे बच्चे, पेरेंट्स या घर के सदस्यों की लीव रीडिंग, उनके फैशियल एक्सप्रेशन, इन सबको भी देख के बहुत सारी भाषाओं का वो अर्जन कर सकते हैं। आसपास के वातावरण में जो भी चीज़ें दिखाई दे उसके बारे में बच्चों को अवगत कराएं। वो केवल बोलकर ही न कराएं, साथ में उससे लिखित शब्दों को भी प्रयोग करें, उस पिक्चर्स को भी दिखाएं, जिससे कि बच्चा उस वातावरण में जो भी चीज़ें, चाहे वो पेड़ हों, पौधे हों, कोई जानवर हो, वनस्पति हो, या किसी प्रकार का कोई भी मंदिर, मस्जिद, कुछ भी चीज़ें हों, तो उन सब का लिखित और उनको ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाकर उस प्रकार उनके भाषा को विकसित कर सकते हैं। बच्चे के आसपास घटने वाली घटनाओं और क्रियाओं के बारे में भी वार्तालाप करें। बच्चे से पूछें ये क्या हो रहा है। अगर बच्चा उसे नहीं समझ पा रहा है तो पेरेंट्स उसको समझाने के लिए उस बारे में वो उनसे डिस्कशन करें। साथ ही साथ दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे पल होते हैं जिसका उपयोग श्रवण बाधित बच्चों को भाषा उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे उठने से लेकर सोने तक बच्चे द्वारा बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, खाना बनाना, खाना खाना, बाजार जाना, खेलने जाना, स्कूल जाना, विद्यालय की एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में पेरेंट्स बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, उनसे उन सब विषयों पे उनकी वार्तालाप हो सकती है। इस दौरान अभिभावक नए नए शब्दकोश का विकास करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खिलौनों एवं पुस्तकों के द्वारा भी अभिभावक बच्चों के साथ भाषा शिक्षण की गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि PIP की आवश्यकता क्यों है। हम PIP कार्यक्रम यानी पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम, अभिभावक शिशु कार्यक्रम
से हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो पहला हमारा ये कि शीघ्र समय पर सेवाओं की उपलब्धता, मीन्स अगर हम बच्चे का जल्द से शीघ्र हस्तक्षेपण करें, हमें ये आइडियाज हो जाए कि बच्चे को किस प्रकार की दिव्यांगता है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर या प्रोफाउंड लेवल पे, उस दिव्यांगता के अकॉर्डिंग उन्हें उस प्रकार के सहायक यंत्र को देकर और उनका साइकोलॉजिकल आर्डियोलॉजिकल टेस्ट कराकर हम उनके बारे में शीघ्र से शीघ्र पता लगाकर उन्हें वो सेवाओं को उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें जो परिवार की भागीदारी होती है, पीआईपी कार्यक्रम के माध्यम से परिवार एवं व्यवसायिकों के बीच भागीदारी हो जाती है, जिससे वह आपस में विश्वास के साथ ईमानदारी एवं कार्य का आवंटन करते हुए शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में अग्रसर होते हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चों की जो दैनिक रूटीन है, जो उनकी दिनचर्या है, जिन शब्दों का वो प्रयोग कर पा रहे हैं, जिस तरफ बच्चे का अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें वो व्यवसायिकों से डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे व्यवसायिक और पेरेंट्स मिलकर एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं कि हम बच्चों को किस प्रकार से उनके शिक्षण प्रशिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवसायिकों द्वारा बच्चे की आवश्यकता अनुसार नियोजन किया जाता है, मीन्स प्रोग्राम बनाया जाता है, तथा परिवार के सदस्यों द्वारा जो चिंताएं व्यवसायिकों के सामने व्यक्त की जाती हैं, जैसे उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं, उनकी उम्मीदें, उनकी क्या लक्ष्य है, उनका क्या अभिलाषा है, इन सारे बातों पे वो डिस्कशन करते हैं। उसके आधार पर उन्हें सुझाव दिए जाते हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उसमें आत्मविश्वास बना रहे तथा हर चरण पर बच्चे के विकास के लिए मदद की जाए। व्यवसायिकों के परिवार में भ्रमण करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करने की जरूरत है। व्यवसायिक उनके घर पे जाकर उन्हें डेली शिक्षित प्रशिक्षित कर सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं कि बच्चे के किस कार्य पे उन्हें जो है स्टिमुलस यानी उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा उस कार्य को बारंबार करे और उससे उसके भाषा विकास में वृद्धि हो सके। सूचित विकल्प एवं निर्णय लेना, जब बच्चों के बारे में अभिभावकों या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं ले ली जाती है, तब व्यवसायिक उस पर एक निर्णय ले पाते हैं कि हमें इसमें कौन सी स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए। उनके शिक्षा पुनर्वास से जुड़े जरूरी ज्ञान, सूचना तथा अनुभव को व्यवसायिक द्वारा सूचित किया जाता है, जो विकल्प अभिभावकों के समक्ष रखा जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि इस प्रकार से आप बच्चों के एजुकेशन को उनका पुनर्वास कर सकते हैं। उनमें से किसी एक के बारे में अभिभावकों को निर्णय लेना होता है कि वो बच्चों के लिए कौन सी विकल्प को चूज कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अभिभावकों को विभिन्न स्रोतों से ऐसी जानकारियां साझा करें जो उनके लिए लाभप्रद हो। स्रोत मीन्स इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, अदर कोई एग्जाम्पल्स देकर उन्हें बताया जा सकता है कि आपके बच्चों की ये समस्या है, तो उसी समस्या के अकॉर्डिंग आप ऐसे निर्णय लेकर इस कार्य को और भी अच्छे से कर सकते हैं। जो भी विकल्प माता पिता के सामने रखा जाए, उसमें लाभ हानि तथा चुनौतियों के बारे में बताया जाए, उन्हें बताया जाए कि इसके करने से बच्चों को क्या फायदा हो सकता है, क्या परेशानियां आ सकती हैं और इसके करने में आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उन समस्याओं का आप कैसे निराकरण कर सकेंगे। इन सारे स्टेप्स पे अभिभावक और व्यवसायिकों के बीच बातों का साझा होना नेसेसरी अनिवार्य होता है। परिवार के सदस्यों को निर्णय लेने के लिए भी सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना भी आवश्यक रूप से लाभप्रद होता है। परिवार में सामाजिक एवं संवेगात्मक सहायता, व्यावसायिक अभिभावक औपचारिक तथा अभिभावक अनौपचारिक तंत्र के द्वारा अभिभावकों को सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से सहायता दी जाती है, जिससे अपने बच्चे की समस्या को लेकर चिंतित होने की स्थिति में उपयुक्त तंत्रों के द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकता है। हर परिवार की आवश्यकता भिन्न होती है, मीन्स उसके इकोनॉमिक स्टेटस अलग होते हैं, उनके रहन सहन अलग होते हैं, तो सभी बच्चों के साथ एक प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। हर बच्चों के जैसी उनकी सुविधाएं हैं, जैसी उनकी नीड है, उस अकॉर्डिंग उनको सुविधाओं की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक उन्हें उचित परामर्श देते हैं। पीआईपी कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्हें दूसरे अभिभावकों से मिलने का तथा समस्याओं को साझा करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है।
परिवार शिशु अंतःक्रिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से परिवार एवं व्यवसायिक बच्चे में भाषा के अधिगमन हेतु वातावरण का निर्माण करते हैं, जिससे उनके संप्रेषण कौशल का विकास हो सके। अभिभावक व परिवार के सदस्य को यह जानकारी होती है कि नियमित रूप से भाषा विकास करने हेतु उद्दीपनों का व्यवहार किस प्रकार से करें, मीन्स उद्दीपन मीन्स बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करें। जैसे वो कोई कार्य करे, किस भाषा को बोल रहा है तो उस भाषा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, चाहे उन्हें कोई उपहार देकर या उन्हें शाबाशी देकर उनमें उन उद्दीपकों को विकसित करते रहे। भाषा शिक्षण की विभिन्न तकनीकों का उपयोग, बच्चे की आवश्यकतानुसार अनुकूलन, क्रियात्मक अधिगम आदि का उपयोग करते हुए परिवार के सदस्य बच्चे के गुरु बनकर उसमें विभिन्न कौशलों का विकास कर सकते हैं। सकारात्मक अंतःक्रिया करना, मीन्स बच्चों के लिए ऐसा नहीं ये आप काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये चीज़ें अभिभावकों को नहीं विकसित करनी चाहिए। उन्हें सकारात्मक ही अंतःक्रिया बच्चों के साथ करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी कार्य उन्हें दी जाए, अभिभावकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि आप वो कार्य कर सकते हैं, उस कार्य को आप कर लोगे तो हम आपको ये देंगे, इस चीज़ से आपको प्रोत्साहित करेंगे, जिससे बच्चे उत्साहित होकर भाषा विकास में और भी अग्रसर हो सके। अगला है सहायक तकनीकों का उपयोग एवं संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों में सहायता करना। PIP के द्वारा व्यावसायिक अभिभावक तथा परिवार के सदस्यों को अत्याधुनिक उपकरण सहायक तकनीकी के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे में भाषा कौशल का विकास होता है। श्रवण सहायक तकनीकी, दृश्य तकनीकी एवं वैकल्पिक संप्रेषण तकनीकी, यह भी जानकारी परिवार के सदस्यों को देने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक तकनीकी, कंप्यूटर तकनीकी एवं वेबसाइट आधारित तकनीकी की भी जानकारी बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर दी जा सकती है। इन सभी तकनीकों के बारे में जानकारी होने पर अभिभावक एवं परिवार के सदस्य किसी विकल्प का चयन कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आकलन करने पर उन्हें यह पता चलता है कि कौन सा विकल्प उनके बच्चे के लिए उपयोगी है। PIP कार्यक्रम से क्या लाभ हो सकते हैं? तो जैसे हम लोगों ने देखा कि PIP कार्यक्रम के माध्यम से व्यवसायिक और अन्य अभिभावकों का आपस में सामंजस्य होता है, उनके द्वारा बातों का शेयर होता है और स्ट्रेटजी डेवलप होती है कि बच्चों के भाषा विकास को कैसे किया जाए। इसके साथ साथ PIP कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है वो श्रवण बाधित बच्चों को कम से कम उम्र में पहचानना, उनका अर्ली इंटरवेंशन करना तथा उनका समग्र विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य अभिभावक सशक्तिकरण है। इस प्रकार से कार्यक्रम में अभिभावक तथा बच्चों को प्रवेश देकर दोनों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम के निम्न लाभ हैं। पहला, अभिभावकों को क्षमतावर्धन बनाना, जिससे वह अपने बच्चों की सहायता कर सके। उन्हें वो सारी जानकारी, वो टेक्निक्स के बारे में अवगत कराना, जिससे कि वो बच्चे के विकास में अपना योगदान कर सके। अभिभावकों एवं बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंध स्थापित करने में उनकी सहायता करना। परिवार के सदस्यों से अलगाववादी स्थिति को कम करना। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर बच्चा डिसेबल्ड है, उसे किसी प्रकार की समस्या है, तो परिवार के सदस्य अलग हो जाते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इसका समाज में कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो PIP के माध्यम से परिवार के सदस्यों को भी जोड़ा जाता है, उन्हें बच्चों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाता है तथा उनके शिक्षण, प्रशिक्षण और भाषा विकास में क्या क्या तकनीक यूटिलाइज हो सकती है, उन सब बातों को भी अवगत कराया जाता है, जिससे परिवार के सदस्य भी बच्चों से जुड़कर उनकी समस्याओं को कम करने में उनकी सहायता करने लगते हैं। साथ ही साथ समेकित मूल्यांकन के द्वारा विकासात्मक क्षेत्र जैसे भाषा, संज्ञान, वाणी, गामक, सामाजिक एवं संवेगात्मक स्तर का पता लगाने में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायिकों से अभिभावक परामर्श कर बच्चे की समस्या का निदान एवं समाधान हेतु विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तित्व प्रशिक्षण प्राप्त करने से बच्चे के सीखने की गति एवं तरीकों की जानकारी अभिभावकों को हो जाती है। उन्हें बच्चा अगर उनके बच्चों के अकॉर्डिंग किस प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए, किस प्रकार से उनका भाषा विकास किया जाए, ये जब अभिभावकों को पता चल जाता है तो वो बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में अपना योगदान
कर पाते हैं। साथ ही साथ भाषा शिक्षण के विभिन्न तरीकों की जानकारी होने पर अभिभावक घर पर स्वतंत्र रूप से उसका संचार कर सकते हैं। श्रवण प्रशिक्षण के विभिन्न चरण एवं क्रियाकलाप की जानकारी होने से अभिभावक इंद्रियों का प्रशिक्षण घर पर करने में समर्थ हो जाते हैं। साथ ही साथ श्रवण सहायक यंत्रों में होने वाली समस्याओं का प्रशिक्षण के दौरान चिन्हांकित करना तथा उनका कैसे समाधान किया जाए, कैसे उसे रिमूव किया जाए, इस सब की जानकारी होने से जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों के श्रवण यंत्र के बारे में भी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वाणी की त्रुटियों को पहचानना तथा उसमें सुधार करने की विधियां व्यवसायिकों से सीखकर अभिभावक घर पे बच्चों के साथ कर सकते हैं। विशेष शिक्षकों की सहायता से शैक्षणिक क्रियाकलाप करने में उन्हें मदद मिलती है। साथ ही साथ दूसरे अभिभावकों से संपर्क करके सामान्य समस्याओं का समाधान करने में भी मदद प्राप्त होती है। बच्चों की समग्र विकास को देखकर प्रोत्साहित होना तथा भविष्य के लिए रणनीति तैयार करने में अभिभावकों को मदद प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से PIP के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अभिभावक जो है वो अपने बच्चों के भाषा विकास, उनके शैक्षिक योग्यता, उनके सामाजिक कौशल को विकास करने में किस प्रकार से अपना योगदान कर पाएंगे। साथ ही साथ बच्चों जो हम हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे या जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें हम विद्यालय जाने से पूर्व कौन कौन से प्रशिक्षण दें जिससे कि वो विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ अपने शिक्षण प्रशिक्षण को आगे बढ़ा सके। तो विद्यालय पूर्व विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम से पहले क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, इसमें पूर्व विद्यालय विशेष शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा निहित होती है। ऐसे बच्चे जिनका विकासात्मक देरी, अधिगम, भाषा संप्रेषण, अनुकूलित कौशल, सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार, गामक कौशल आदि को शामिल किया जाता है। PIP के अंतर्गत 3 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों के माध्यम से शिक्षा देने के उपरांत प्री स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। इस दौरान बच्चों को पूर्व लेखन, पूर्व वाचन, पूर्व गणितीय कौशल इत्यादि की जानकारी दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का है, जिससे कि वह औपचारिक माध्यम से विद्यालय में प्रवेश से पूर्व शिक्षित हो सके। इसमें विभिन्न प्रकार की विधियाँ यूटिलाइज होती है, जैसे मॉन्टेसरी विधि, जिसके माध्यम से हम छोटे बच्चों को विशिष्ट विधि की खोज करना, किस प्रकार से उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित करना, बच्चे के योग्यता के अनुरूप उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाए, इस विधि से उनका शिक्षण प्रशिक्षण कराते हैं। दूसरा हमारा विधि है रिजियो एमिलिया उपागम। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में इस प्रकार के प्री स्कूल की शुरुआत की गई थी। इसे हमें हम प्रोजेक्ट आधारित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, जो जिससे कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है कि विद्यालय का वातावरण ऐसा तैयार किया जाता है कि बच्चे ही शिक्षक के रूप में अपने कार्य करने लगते हैं। मीन्स बच्चों के लिए ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट किया जाता है कि बच्चे उस एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग ही अपने शिक्षण प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त संसाधनों की खोज कर लेते हैं। तीसरा हमारा होता है खेल आधारित शिक्षण, जिसे बेबोर जी ने दिया हुआ है। इस विधि के माध्यम से बिना किसी हस्तक्षेप के खेल के माध्यम से छोटे बच्चों को शिक्षित किया जाता है। समस्या समाधान एवं खोज विधि इस विधि की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। प्रत्यक्ष अनुकूलन, प्रत्यक्ष अनुकूलन के द्वारा हम जो है में अभ्यास विधि एवं रटन विधि के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को अधिगम क्रियाएं कराते हैं, जिससे श्रवण बाधित बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है एवं बच्चों द्वारा किसी भी प्रकार की गलती होने पर शिक्षक उसे तुरंत उसमें सुधार कर सकता है। पूर्व विद्यालयी शिक्षा का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों के भाषाई कौशल का योग्यता को बढ़ाना, उनके भाषा को कैसे विकसित किया जाए, उनकी संज्ञात्मक योग्यता का विकास कैसे किया जाए, उनके सामाजिक दृष्टिकोण को कैसे विकसित किया जाए, व्यक्तित्व कौशल कैसे विकसित किया जाए, गामक कौशल, उनका आत्म अभिव्यक्ति कैसे विकसित किया जाए, साथ साथ उन्हें किस प्रकार से स्वस्थ आदतें प्रोवाइड की जाए, उनमें सृजनात्मक इनोवेटिव क्रिएटिविटी कैसे डेवलप की जाए, इन सब के करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए पूर्व विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रशिक्षण देने हेतु
पूर्व विद्यालय में स्व सहायता, संज्ञात्मक विकास, गामक कौशल का विकास तथा सामाजिक कौशल के विकास को भाषा संप्रेषण कौशल के विकास द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे बच्चों का भौतिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, सामाजिक कौशल मूल्यांकन, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मूल्यांकन के उपरांत श्रवण बाधित बच्चों को विभिन्न कौशल विकास हेतु व्यक्तित्व एवं सामूहिक कार्य योजना का तैयारी की जाती है। तकनीकी के विकास के साथ साथ बच्चों में श्रवण विकास, वाणी विकास एवं संप्रेषण कौशल का विकास भी किया जाता है, जिससे श्रवण दिव्यांग बच्चों में भाषाई समस्या होने के कारण पूर्व विद्यालय शिक्षा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है। श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए पूर्व विद्यालयी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उनके श्रवण कौशल का विकास। श्रवण दिव्यांग बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है उन्हें सुनाई न देना, तो पूर्व विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत उन्हें इस प्रकार से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वो श्रवण के बारे में अवर हो जाए। उन्हें विभिन्न प्रकार की ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है, विभिन्न प्रकार के भाषाओं को सुनने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्निक का यूज किया जाता है, जिससे वो साउंड के ध्वनि के प्रति अपने को जागरूक कर सके, वो विभिन्न आवाज़ों में अपना विभेदन कर सके। दूसरा है वाणी कौशल का विकास। उनके वाणी का विकास कैसे किया जाए, शब्दों का उच्चारण वो कैसे किया कर सकते हैं, उन सब का भी पूर्व विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ भाषा कौशल का विकास। भाषा कौशल का विकास के अंतर्गत उन्हें वर्ण विज्ञान, शब्द विज्ञान, व्याकरण विज्ञान, इन सब की शिक्षा दी जाती है। इस उम्र में भाषा हस्तक्षेप न करने पर भविष्य में श्रवण दिव्यांग बच्चों के साथ बहुत समस्याएं आ जाती हैं, जिसके कारण उनका शिक्षण प्रशिक्षण अवरुद्ध होने लगता है। साक्षरता कौशल का विकास। पूर्व विद्यालयी शिक्षा में पूर्व लेखन, पूर्व वाचन एवं पूर्व गणितीय कौशलों का विकास किया जाता है। किसी चीज़ को सुनकर पहचानना, सुनकर लिखना जैसी गतिविधियों से श्रवण बाधित बच्चों में श्रवण एवं भाषा का विकास साथ साथ होता है तथा प्राथमिक विद्यालय में पाठचर्या को लेकर आने वाली समस्याओं को इससे कम किया जा सकता है। उनका मनोसामाजिक कौशल का भी विकास किया जाता है। बच्चों को अन्य बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करना, विभिन्न प्रकार के उत्साहवर्धक कार्यों को करना, जिससे कि बच्चों में अपने से आत्मविश्वास का विकास होने लगता है। प्राथमिक विद्यालयों में जाने से पूर्व जो तैयारियां होती है, 6 वर्ष की उम्र तक दी गई शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात श्रवण बाधित बच्चे जब प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य सुनने वाले सहपाठियों के साथ समेकित होते हैं, तब उनके पास अन्य बच्चों के जैसा योग्यता होने पर अधिगम एवं अन्य क्रियाओं में सहभागी बनने में उन्हें आसानी हो जाती है, क्योंकि पूर्व विद्यालय शिक्षा में उनके भाषा ऑडिटरी ट्रेनिंग, उनके भाषा विकास, इन सब का विकास हो चुका रहता है तथा उनका वाचन भी हो चुका होता है, गणितीय जानकारी भी हो जाती है, जिससे कि वो प्राथमिक विद्यालय में अपने को सामान्य बच्चों के साथ स्थापित करने में अपने को सक्षम पाते हैं। समावेशी विद्यालय का आधार है कि श्रवण बाधित बच्चों को समाज के मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था से अलग रखने पर उसमें अलगाववादी विचारधारा का विकास होता है, क्योंकि अगर वो अलग रहते हैं तो उनमें ये रहता है कि हम श्रवण बाधित हैं, हम श्रवण बाधित बच्चों के साथ ही रह सकते हैं, हम अन्य बच्चों के साथ समाज में नहीं घुल पाएंगे, तो इस प्रकार वो समाज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लेकिन समावेशी विद्यालय में जब ये बच्चे जाते हैं तो इन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे सामान्य बच्चों के साथ रहना है, कैसे अपने कार्य करना है, इन सब की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पूर्व विद्यालय शिक्षा के दौरान एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर सामान्य सुनने वाले बच्चों के साथ शिक्षण प्राप्त करने से समावेशी विचारधारा का विकास होता है। आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व विद्यालय शिक्षा में श्रवण बाधित बच्चों को सुनने वाले बच्चों के पास शामिल करने से न केवल समावेशी शिक्षा का विकास होता है बल्कि समावेशी समाज का निर्माण होता है। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता होती है उनका विकास पूर्व विद्यालय शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है।
दोस्तों, आपने देखा कि पीआईपी यानी पेरेंट इन्फेंट प्रोग्राम किस प्रकार से दिव्यांग बच्चे तथा उनके अभिभावकों के लिए बेनिफिशियल है। इससे उन अभिभावकों को सहायता मिल जाती है कि वो अपने बच्चों को समाज में स्थापित करने में किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक शिक्षक और विद्यार्थी का जो विद्यालय में योगदान होता है वो 5 से 6 घंटे होते हैं, लेकिन बच्चों को जो भी जानकारी होती है वो उनके परिवार या फैमिली से मिलती है। तो अगर अभिभावक शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, उन्हें हर चीज़ की जानकारी होगी, तो वो अपने बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तो जो हमारा पीआईपी कार्यक्रम है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ता है कि अभिभावकों को हम शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें, परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ें तथा समाज के लोगों को भी जानकारी प्रोवाइड करें, जिससे उनमें जो नकारात्मक सोच है उसका दूर किया जा सके और सकारात्मक सोचों को विकसित किया सके। और साथ ही साथ हम लोगों ने पूर्व विद्यालय शिक्षा पर भी डिस्कशन किया। पूर्व विद्यालय शिक्षा पे आपने देखा कि हम बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर कर देते हैं, उनके जो भाषाई कौशल है, उनकी जो सामाजिक कौशल है, उनके जो पढ़ने लिखने में समस्या है, उन सब के बारे में जब हम बच्चों को अवगत करा लेते हैं, तो जब वो विद्यालय में 6 वर्ष के बाद मैन स्ट्रीम वाले विद्यालय में जाते हैं, तो सामान्य बच्चों के साथ उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। उनको क्योंकि पूर्व से ही हर चीज़ से अवगत होते हैं, तो वो अपने शिक्षण प्रशिक्षण को और भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो पीआईपी से ही था कि पीआईपी क्या होता है, उसे क्या लाभ है और उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों से किस प्रकार से वो उनको लाभप्रद दे सकता है। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो व्यक्तित्व हम वाणी थेरेपी कैसे दे सकते हैं, एक इंडिविजुअल बच्चों को भाषा विकास को कैसे किया जा सकता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक्स।